इतने सारे, अब तो बीजेपी के आप सिर्फ दो हैं और सवाल का जवाब देने के लिए छह, थोड़ा सा बैलेंस तो बिगड़ा है, लेकिन मुझे लगता है देंगे जवाब। क्यों विधायक जी, अगर वो ऐसे कह रहे हैं, सदन से शुरू करें। जी मैं बताता हूँ आपको, मैं अपनी विधानसभा का उदाहरण देता हूँ। जिस विधानसभा में दोहा नदी पर एक पुल बनाने के लिए लोगों को 20-25 साल प्रयास करने पड़े, उस विधानसभा में उसी दोहा नदी पर फूड पार्क का मामला क्यों अटक जाता है? देखिए फूड पार्क की बात उनकी विधानसभा में उन्होंने बात की है, मुझे नहीं मालूम किस तरह के उन्होंने प्रयास किए। मैं अभी चार दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मिला था, और उसमें जो गौ संवर्धन केंद्र और मेगा फूड पार्क है उसके लिए मैंने उनको बात की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी इसको दिखवाता हूँ कि क्यों, कहाँ से क्यों अटक रहा है, और निश्चित रूप से उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से ये जल्दी शुरू करेंगे इसमें। ठीक है, मुझको कहा है उन्होंने। छह साल हो गए आज तक कुछ नहीं हुआ है। नंबर एक, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज दिया था। ठीक है, डिग्री कॉलेज छह साल हो गए, सरकार चली गई, आधा बन पाया था, आज तक छह साल हो गए आधा नहीं बन पाया, नहीं तो बच्चों को कम से कम चार उनके वो निकल चुके होते बैच अब तक। जो 2012 की सरकार में मेरे क्षेत्र में चार सड़कें चौड़ी होके बनी थी, दो बड़े पुल बने थे, चार रप्टा पुल बने थे, तीन आईटीआई बनी थी, एक रोडवेज बस स्टैंड बना था, पांच पावर स्टेशन बने थे, उसके बाद आज तक छह साल हो गए, और अभी इलेक्शन से पहले, इसी इलेक्शन से पहले एक रोड है फरीदपुर का बहेड़ी से, उस पर पत्थर डलवा दिया। ठीक है, और आज तक उसकी पेस्टिंग नहीं हुई है। मैंने कई बार अधिकारियों से कहा, वो कहते हैं बजट ही नहीं है। मेरे यहाँ पर एक सब स्टेशन है जो करीब 50 गांव की बिजली सप्लाई करता है, वहाँ पर अच्छा 5 MVA और 10 MVA का है, वहाँ बिजली बताइए आपके पास 3 से 4 घंटे पहुँच रही है, पूरी पंचायत खत्म हो जाएगी 3 से 5 घंटे। मैं बिजली विभाग, मैं चेयरमैन साहब से लखनऊ में मिला, मैंने कहा इसकी क्षमता बढ़वा दीजिए, 5 से 10 करवा दीजिए, आदेश उन्होंने कर दिया क्योंकि डीएम बरेली भी रहे थे वो। लेकिन जब मैं 15 दिन बाद मिला तो कहने लगे बजट नहीं है, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, बड़ी दिक्कत। देखिए बरेली में अगर आप डाक साहब की विधानसभा में ही बात करें तो बलिया में नया पावर सब स्टेशन बना है, फरीदपुर विधानसभा में जो है एक बना है, और इधर फरीदपुर में ही दूसरा अंधरपुरा में बना है। अच्छा, और जो डिमांड है तीन तो मैं ये बता रहा हूँ, और बाकी तो विधायक जी बताएंगे तो अभी कई एक गिना देंगे। यदि आप देखेंगे जो डिमांड है बिजली की वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, फिर भी हम उससे ज्यादा दे पा रहे हैं। पहले जो बिजली की व्यवस्था थी आपने देखा होगा, लेकिन इधर तो पावर कट की बड़ी समस्या हुई है, मतलब बरेली में कैसा रहा? नहीं बरेली में उतना पावर कट नहीं, 3 से 4 घंटे बिजली पावर कट है, वो ओवरलोडिंग लोकल फॉल्ट है, 35 से 40% कंजम्पशन एकदम बड़ा है। सरकार तैयार है और नए पावर स्टेशन बन रहे हैं, नई लाइनें पड़ रही हैं, बिजली के क्षेत्र में पूरा फोकस है। 2017 से पहले या 2017 के बाद, देखिए साहब मैं आपको बताऊं, चलिए जब हमारी 2017 में सपा की सरकार थी 17 तक, और 17 में हमारी सरकार बनी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, ठीक है, हमें हर जगह गड्ढे मिले, चाहे एक रोड की आप बात कर रहे हैं, वो रोड सपा हमारी बीजेपी सरकार में नहीं बन पाया है, लेकिन हमें टोटल गड्ढे मिले, हमने सभी रोडें बनवाने का काम किया। और इसके अलावा जो बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की एक सेकंड लूंगा, बिजली की जो बात कर रहे हैं, कहां हमें 4 घंटे बिजली मिलती थी और 5 जिले बीआईपी हुआ करते थे। अच्छा। आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले बीआईपी हैं और हर जिले में हम समान एक समान बिजली दे रहे हैं। ये बिजली की बात कर रहे हैं, नए पावर हाउस की बात करें, पिथरी में भी नया पावर हाउस बनवा दिया, मीरगंज में भी 132 का नया पावर हाउस बन गया, 32 पावर हाउस अभी हमारी रिवैम्प्ड योजना आ रही है उसमें हमारे नए मिल गए हैं, उसमें 10 मीरगंज को और नए मिल गए हैं। अच्छा। और जब हम मीरगंज से विधायक बने केवल 2 बिजलीघर थे, 33/11 केवल फतेहगंज और मीरगंज, मैंने 3 बिजलीघर तुरंत बनवा दिए और 10 और बनने जा रहे हैं। कितने जल्दी? केवल 4 साल 5 साल में 5 साल में 3 नए बिजली। गांव की स्थिति ये थी, हमारे यहाँ जो गांव थे, हमारे मीरगंज की अगर हम बात करें 80 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली देखी नहीं थी 70 साल में लोगों ने। आज हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा गांव नहीं है, मजरा नहीं है, कोई चौराहा नहीं है जहां पर हमने बिजली पहुंचाने में लोग नहीं किया है। माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी के प्रयास से आज पूरे देश का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां बिजली नहीं हो गई। मैडम अपराध का मामला ये है, बिजली देखने को नहीं मिलती है, अपराध में बताइए बताइए रोडवेज बस चोरी हो जाती है, ऐसा अपराध है? ये बताइए मिली है, देखिए रोडवेज बस चोरी हो जाती है जब सरकारी बस सुरक्षित नहीं है। सपा शासन में पकड़ उद्योग बन चुका था,
वो ऐसे कहने में कुछ भी कहते रहो, मैं तो अभी तो एक बस की बात आप कर रहे हैं, बस बस को चुरा कर ले बात कर रहे हैं। सीओ को बोनेट बैठा घुमाने का काम बरेली से भ्रष्टाचारियों के बोनेट बैठा के घुमाने का काम आपकी सरकार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।